के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो एप होम के आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फास्ट वीपीएन स्पीड एप्लीकेशन के बारे में। दोस्तों, इस एप्लीकेशन को आप आपके मोबाइल में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और दोस्तों ये एप्लीकेशन क्या है, सभी जानकारी इसी वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ फास्ट वीपीएन स्पीड एप्लीकेशन के बारे में। तो आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो अच्छा लग जाए तो वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो एप्लीकेशन है फास्ट वीपीएन स्पीड एप्लीकेशन है जिसमें यहाँ पर आपको वर्ल्ड वाइड सर्वर देखने को मिल जाते हैं जिनको यहाँ पर आप इजीली तरीके से आपके मोबाइल में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक कमाल की एप्लीकेशन यहाँ पर आपके लिए होने वाली है हाई स्पीड के साथ। दोस्तों, ये एप्लीकेशन को आप फास्ट यहाँ पर सुपर फास्ट यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हाई स्पीड और फास्ट और 100% फ्री यहाँ पर आप एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आपको वर्ल्ड वाइड सर्वर देखने को मिल जाते हैं जिनको यहाँ पर आप इजीली तरीके से आप आपके मोबाइल में यूज़ कर सकते हैं। तो एक कमाल की एप्लीकेशन आपके लिए होने वाली है दोस्तों। तो इस एप्लीकेशन को किस तरह से यहाँ पर आपके मोबाइल में यूज़ कर सकते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए एप्लीकेशन को करेंगे कुछ इस तरह से ओपन। एप्लीकेशन आपके सामने ओपन हो जाती है। जैसी एप्लीकेशन मोबाइल में ओपन हो जाती है आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। दोस्तों, फास्ट वीपीएन स्पीड एप्लीकेशन यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। जैसी एप्लीकेशन यहाँ आ जाती है आपके सामने दोस्तों ऊपर की साइड में लोकेशन वाला ऑप्शन दिखाई देगा। लोकेशन पर आप क्लिक करते हैं तो लोकेशन में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा यहाँ पर लोकेशन का अभी आपका चल रहा है। उसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आपको वर्ल्ड वाइड सर्वर देखना है। या दोस्तों आपको यहाँ पर वर्ल्ड वाइड सर्वर देखना है तो किस तरह से यहाँ पर आप वर्ल्ड वाइड सर्वर देख सकते हैं, इसके लिए आपको दोस्तों यहाँ पर आपको साइड में दिखाई दे रहा हूँ ये वाला आइकॉन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने जितने भी वर्ल्ड वाइड सर्वर है यहाँ पर आ जाते हैं। ऊपर की साइड में आप देख सकते हैं चेंज सर्वर का यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देता है। और दोस्तों साइड में आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में ऊपर की साइड में तो आपको रिप्लेस करने वाला ऑप्शन भी मिल जाता है। रिप्लेस पर आप क्लिक करते हैं तो रिप्लेस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप रिप्लेस कर सकते हैं अलग अलग वर्ल्ड वाइड सर्वर, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं और सभी वर्ल्ड वाइड सर्वर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपको फ्री वाला सेक्शन अलग मिल जाता है और प्रीमियम वाला सेक्शन अलग मिल जाता है। प्रीमियम में आप देखोगे तो प्रीमियम में भी यहाँ पर आपको मिल जाते हैं अलग अलग वर्ल्ड वाइड सर्वर, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और फ्री वाले में भी आपको यहाँ मिल जाते हैं। फ्री में आप देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस तरह से आपको दिखाई देंगे। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो अलग अलग एरियाज के आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, आपको किसी को भी यूज़ करना है तो आपको टिक मार्क करना होगा कुछ इस तरह से, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं टिक मार्क यहाँ इस तरीके पे इस पर यहाँ पर मैंने कर दिया है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप टिक मार्क कर सकते हैं और टिक मार्क करने के बाद इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको इसको यूज़ करना है जैसा यहाँ पर आपके मोबाइल में यूज़ करना है। तो ये वाला आइकॉन आपको दिखाई दे रहा हूँ, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला आइकॉन पर क्लिक करने के बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं आसानी से। ये वाला आइकॉन आपको दिखाई दे रहा है, इस तरह से यहाँ पर आप क्लिक करके इसको यूज़ कर सकते हैं। थ्री लाइन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका अकाउंट आपको दिख जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। सिलेक्ट प्राइवेसी कॉन्टेक्ट का ऑप्शन आपको मिल जाता है, टिल योर फ्रेंड का ऑप्शन और प्राइवेसी पॉलिसी का ऑप्शन मिल जाता है।